इस टाइप का गेम बनने वाला है। और ये ट्रैफिक कौन भी हमने गिरा दी, सीधा जाना है और यहाँ से घुमानी है गाड़ी। घुमाने के बाद ओ गाड़ी फंस गई मेरी लग रहा है, और काफ़ी सारे स्क्रैच आ गए होंगे इसके ऊपर, इतनी दफ़ा ठोक के चलाई है गाड़ी। अबे यार किसी और की गाड़ी पे भी ठोक दिया। इजी इजी आराम से पार्किंग पे लगानी है कार। ओ दोबारा से ठुक गई। हे देयर एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू अजीम ड्रीम डिज़ाइनर्स। तो आज हम लोग दोबारा से अपने कार पार्किंग गेम का एपिसोड कंप्लीट करने वाले हैं, और आई थिंक कि आज हम इस गेम को कंप्लीट कर देंगे। देन लास्ट स्टेज हमारा बचेगा जिसमें सिर्फ हम लेवल्स बनाते जाएंगे इसके, और अभी इसकी लॉजिक्स वगैरह तकरीबन कंप्लीट कर देते हैं एटलीस्ट वन लेवल की। तो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू टुडे। ऑलराइट, लेट्स गो टू डेवलपमेंट। ओके, सो हम यहाँ आ चुके हैं। इसके बाद अब लास्ट टाइम हमने इन कार पे सॉलिड बिहेवियर दे दिया था, बट ये इस पीस पर नहीं दिया था, तो इस पर भी सॉलिड बिहेवियर ऐड कर देते हैं। सिंपली ऐड अ सॉलिड बिहेवियर, तो यहाँ पर सॉलिड बिहेवियर ऐड हो गया। और लेट्स सी इसके पॉलीगॉन्स भी एडजस्ट करने पड़ेंगे हमें। सबसे पहले तो इसकी साइजिंग और देन पॉलीगॉन्स यहाँ से आ गए। अच्छा हाँ, बिल्कुल सेटअप हुए हैं पॉलीगॉन्स ऑलरेडी, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ओके, लेट्स सी, कोलाइड करके देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही जा रहा है, कोलाइड हो रहा है इससे, इस पे से ओवरलैप नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमें ऐसे और ऑब्जेक्ट भी चाहिए होंगे और साइड की वॉल्स वगैरह भी चाहिए, तो हमें थोड़ी बहुत ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे आज। ओके, सो चलते हैं शॉपिंग करने फ्री पिक पे। ऑलराइट गाइस, तो मैं यहाँ पे सर्चिंग ही कर रहा था कुछ चीज़ें, लेकिन आई डोंट थिंक कि मेरे मतलब की कोई चीज़ यहाँ पे मिली है। बट मुझे एक आइडिया आया है, लगता है हम खुद ही क्रिएट कर सकते हैं इस चीज़ को। तो इलस्ट्रेटर पे चलते हैं डिज़ाइनिंग पर इस चीज़ की। ठीक है, तो हमने इलस्ट्रेटर ओपन कर लिया, और लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट फाइल। और अब हम ट्रैफिक कोन बनाते हैं। अच्छा, रेफरेंस टाइप की कुछ चीज़ ले सकते हैं एटलीस्ट इफ़ वी वांट टू। चेक करते हैं यहाँ पे कुछ रेफरेंस टाइप मिल रहा है। हाँ, ये एक ठीक टाइप की चीज़ है। ओके, सो हम इसकी रेफरेंस से हम अपने ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। लेट्स सी, एक ट्रैफिक कोन बनाते हैं सबसे पहले। तो ट्रैफिक कोन आई गेस समथिंग लाइक दिस, बट हम सर्कुलर वाला बना देते हैं। तो ओवल लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा कलर दे देते हैं यहाँ से। ठीक है, को और आई गेस स्क्वायर बनाना बेहतर था, बट नेवर माइंड, लेट्स सी। वाइट एरिया, इसके बाद इसको हमने स्ट्रोक दे दी और थोड़ी सी स्ट्रोक बढ़ा दी। अब ये ट्रैफिक कौन लग रहा है, ऑलमोस्ट ट्रैफिक कौन लग रहा है, बट नेवर माइंड। अच्छा, थोड़ा सा हम रेक्टेंगुलर शेप पीछे देनी पड़ेगी हमें लगता है, शायद हल्की सी इस टाइप की। ठीक है, और इसका कलर थोड़ा लाइट रखते हैं बाकी से, और इस वाले पीस को हम थोड़ा सा डार्क रखेंगे ताकि वो रिप्रेजेंट हो जाए ठीक से। ओके, तो ये हमारा एक ट्रैफिक कोन बन गई। अच्छा, इसके साथ हमें याद रखना है कि हमें एक और वर्जन बनाना है इसका, वो है जब ये वर्जन ज़मीन पर गिरा होगा तो इसका फ्रंट फेस भी हमें बनाना पड़ेगा। ये तो टॉप फेस हो गया, एक फ्रंट फेस बनाना है। तो जब अगर कार आपकी एक्सीडेंटली इस पर कोलाइड होती है, टकराती है, तो ये पीस गिर जाएगा और वो हमें फिर फ्रंट से नज़र आएगा टॉप से। ओके, सो इसी की रेफरेंस से बनाते हैं। सिंपली यहाँ पर हमने इसको ऐसा कर दिया, और ये पीस की रेफरेंस से ही हमने यहाँ पर अपने एक पीस क्रिएट करा, देन इसको हटा दिया हमने। और अब ये कोन हमें यहाँ पर क्रिएट करना है। अच्छा, कोन क्रिएट करना काफ़ी सिंपल है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं, बट मैं रेक्टेंगुलर टाइप शेप ले रहा हूँ। और ऊपर वाले को सिलेक्ट करके छोटा कर दिया हमने, तकरीबन इस टाइप का कुछ बेटर लगा। ठीक है, नीचे वाली साइज़ भी हम थोड़ा सीधा कर लें। कूल, काम हो गया। अब बीच में से हमें एक वाइट पट्टी देनी है, अक्सर होती है इनमें, तो इसके लिए दो होती हैं क्योंकि हमने पिक्चर में ऊपर से एक बनाई है, बट आई गेस एक भी काम करेगी। लेट्स सी, इसको हम मिक्स कर देते हैं इससे, कलरिंग थोड़ी करते हैं अब, और काम हो गया। इसको ऊपर करें, इससे एक पीस हमारा कम्प्लीटली बन गया। ओके, सो इसी तरह से एक नेक्स्ट पीस बनाते हैं इसका। नेक्स्ट पीस में ये बनाना चाहता हूँ, ये थोड़ा सही लग रहा है, ब्रिक्स टाइप, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो इतना काफ़ी रहेगा आई गेस। और कलर दे देते हैं इसका, और हम नीचे से इसका बॉर्डर थोड़ा सा नीचे से बढ़ाए,
के ऊपर से ज़्यादा छोटा नज़र आता है। इसका कलर भी दे देते हैं हम समथिंग लाइक दिस, हाँ ये बेटर रहेगा। इसके बाद हमें जो करना है, अच्छा साइडों से मिला हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ से इसको मिला देते हैं। काफ़ी, अब हम बीच के इसके इनग्रेव हुए हुए बॉक्सेस बनाते हैं, इस कलर के बेटर रहेंगे। कुछ ज़्यादा बन गए, हाँ हाँ ही नो, कुछ ज़्यादा बन गए ये। फिलहाल इसको थोड़े कम कर देते हैं और थोड़े बड़े करते हैं, बिकॉज़ हम टॉप व्यू से बहुत हमें छोटा नज़र आने वाला है और कम नज़र आने वाला है, इस वजह से हम बड़ी चीज़ें बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और ये पीस थोड़ा सा कम करेंगे। इनको सिमिलरली पीछे की तरफ पेस्ट कर देते हैं, इनका मिरर कर लेते हैं एक इस टाइप से, और ये मिरर बन चुके हैं। और अब बचा हमारे साइड की जो ये रिफ्लेक्शन है इस टाइप के ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बनाना काफ़ी आसान हो सकता है। वाइट कलर लिया एक, और सेकेंड पीस इसका हमने देना है पिंक कलर का, या हम कुछ दूसरा कलर भी दे सकते हैं। बेसिकली मुझे ज़्यादा पसंद है ऑरेंज कलर, तो ऑरेंज कलर हम रखते हैं। ठीक है, वैसे तो येलो ब्लैक होता है, येलो ब्लैक काफ़ी सूटेबल लगता है, चलो येलो ब्लैक रख के देखते हैं। ये ब्लैक और ये येलो, हाँ थोड़ा गवर्नमेंट टाइप का लुक आ रहा है। ओके, इनको कॉपी करते हैं यहाँ तक। सिमिलरली इन सबको हम दूसरी साइड भी कॉपी कर लेते हैं। एक पीस रह गया, भाई तुम क्यों नहीं आ रहे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? आ गए, ओके सो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसको मैंने थोड़ा सा और एडजस्ट कर दिया ताकि वो थोड़ा लुकिंग लाइक बेहतर लगे। अब इसका हमें थोड़ा सा शेडो निकालना है ताकि रियलिस्टिक शेप नज़र आए। ठीक है, शेडो हम किसी भी जानब दे सकते हैं, बट हमें याद रखना है कि जिस तरफ हम गेम खेल रहे हैं उसी साइड सारी चीज़ों के शेडो हों, ताकि फिर उसमें एक रियलिस्टिक चीज़ें नज़र आएँ। अदरवाइज़ आपका कोई शेडो कहीं जा रहा हो, कोई शेडो कहीं जा रहा होगा, लग रहा होगा पता नहीं कहाँ से सूरज निकला और कहाँ ग्रुप हो गया, इस वजह से हमें शेडो पर भी थोड़ा ध्यान देना होता है। तो शेडो बनाने के लिए सिंपली हम पेन टूल का इस्तेमाल करते हैं, और पेन टूल लेकर इस टाइप से कुछ हम शेडो बनाते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि इसकी शेप को फॉलो करें, बिकॉज कोई नहीं देखता यार। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे आकर इस टाइप से कुछ बना दें तो लगेगा कि शेडो है, और एटलीस्ट लगेगी एक चीज़ ज़मीन से ऊपर है, ज़मीन पे नहीं गिरेगी। ठीक है, तो कलर हम ब्लैक देंगे बिल्कुल, और इसकी ओपेसिटी हम सेट करते हैं 25 पर। ठीक है, तो ये इसका शेडो बन गया, और अब ये ऑब्जेक्ट कहीं भी प्लेस करेंगे हम तो इसके साथ इसका शेडो आएगा और पता लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट लिटरली ज़मीन के ऊपर है। ठीक है, साथ ही हमें एक काम और करना है, बिकॉज़ हम क्योंकि शेडो बना रहे हैं इस वजह से इसकी लाइटनिंग थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ेगी, और हमें दूसरी साइड जो है उसको थोड़ा डार्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरी साइड हमारी ये है, इसको हमने थोड़ा सा डार्क कर दिया, और अंदर के सारे बॉक्सेस को और ज़्यादा डार्क कर देंगे हम। हाँ, अब थोड़ी रियलिस्टिक शेप लगेगी, इसको एडजस्ट कर देते हैं। ओके गाइस, तो ये बनकर तैयार है। अब थोड़ी सी और ऑब्जेक्ट बनाकर हम डायरेक्टली अपने डेवलपमेंट के ऊपर चलेंगे। ओके गाइस, तो मैंने अपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना लिए थे जो मुझे जिनकी मुझे ज़रूरत थी, अब मैंने कंस्ट्रक्ट 2 में लेके जाता हूँ। अच्छा, वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं आप इंपोर्ट करें, आप इनकी PNG निकाल कर इंपोर्ट कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा अजीब तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी यूज़ करें, नो प्रॉब्लम। यहाँ से मैं फ़ोटोशॉप पे इनको फाइल को कॉपी करता हूँ डायरेक्टली, और यहाँ पर लाकर एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। फाइल का नाम हम ऑब्स्टिकल देते हैं, या फिर इसी के साथ आगे ऐड करते जाते हैं, बिकॉज़ ये हमारे पास ऑब्स्टिकल की एक फ़ाइल है। तो हमने यहाँ पर ऐड एनिमेशन कर दी, लेट्स सी ऐड फ्रेम, या बेसिकली बेहतर रहेगा कि हम अलग से ऑब्जेक्ट बना लें, कोई दोनों में से कुछ भी काम कर सकते हैं आप। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट दे दिया कि ब्रिक्स या ब्लॉक, या फिर हम इसे बैरियर कह लें। ओके,
सो इसे ऐड करते हैं यहाँ पर डायरेक्टली, ऑब्जेक्ट पेस्ट करेंगे और ये ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर। लेट्स सी किस तरह का आया है ऑब्जेक्ट। अच्छा पीछे से ऐसा आ गया ये। ओह गॉड, यहाँ पर तो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी इसने। सो गाइस उससे काम बन नहीं रहा था तो मैंने फाइनली अपनी फाइल एक्सपोर्ट ही कर ली। एक्सपोर्ट करने के बाद इसे हम इंपोर्ट करते हैं कंस्ट्रक्ट 2 में और यहाँ पर हम इसकी एडिट कर लेंगे आसानी से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें से चाहिए ट्रैफिक कौन, तो ये एसेट्स का नाम आया हुआ, इसको कह रहे थे हम कौन कौन। एंड लेट्स सी हम इसमें सिर्फ कौन निकालेंगे और बाकी सब हम हटा देंगे। कौन पर हमने रेक्टेंगल बनाया और क्रॉप कर दिया, तो ये हमारे पास सिलेक्शन आ गई इसके अंदर। ठीक है, अब हमें डिफरेंट फ्रेम में कर देना है, टू फ्रेम्स में आने के। तो इसका एक डुप्लीकेट करते हैं फ्रेम, दो फ्रेम हमने बना लिए। पहले फ्रेम में हम स्ट्रेन रखेंगे, सेकंड फ्रेम में हम इसे ले डाउन कर देंगे। ठीक है, पहले फ्रेम हमने सेलेक्ट करा और क्रॉप कर दिया तो हमारा फर्स्ट फ्रेम बन गया। और सेकंड फ्रेम पर हम ये बनाएंगे कौन वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये दोनों फ्रेम एक्चुअली इनका ऑर्डर आउट हो गया, तो पहला फ्रेम 0 नंबर पर ये होगा सीधा और सेकंड फ्रेम पर ये गिर जाएगा अगर हम इसको चाहें। ओके गाइस, तो अब इस एनिमेशन की हम फ्रेम स्पीड 0 रखते हैं क्योंकि हम ये मैन्युअली मूव कराएंगे। ठीक है, और ये हमारी फाइल बनी हुई है। अगर एक ट्रैफिक कौन, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। अच्छा इतना काफ़ी होता है, हाँ इतना काफ़ी होता है ट्रैफिक कौन। ठीक है, तो ये हमने ट्रैफिक कौन एक क्रिएट कर लिया अपना और इसे यहाँ पर प्लेस कर दिया। अच्छा आई गेस इसका शेडो होता तो काफ़ी बेहतर लगता, बट हम ऐसी गेम बना रहे हैं, नेवर माइंड, शेडो के बगैर भी अच्छा लग रहा है काफ़ी यार। तुम लोग अगर देखो, नेवर माइंड, कुछ भी अच्छा लग रहा है वैसे तो, मुझे तो ठीक लग रहा है वैसे। ओके, सो इसी तरह बाकी सारे फोल्डर, बाकी सारे हम अपनी जो एसेट्स थे वो इंक्लूड करते हैं इसी चीज़ में। ओके, सो इसी तरह हमने ये दो ऑब्जेक्ट भी ऐड कर लिए। अब हम जो ऑब्जेक्ट लाने वाले हैं वो हम उसे टाइल मैप बनाएंगे। तो सिंपली टाइल मैप ऑब्जेक्ट लेते हैं यहाँ से, टाइल मैप ऑब्जेक्ट, और इसको नाम दे देते हैं वॉल का, बिकॉज दैट्स गोना बी अ वॉल। एंड लेट्स सी वी कैन इंपोर्ट विद दिस, और इसके बाद हम सिलेक्शन लेते हैं सिर्फ इतने पीस की और इसको हम इस टाइप से बना देते हैं। ठीक है, तो हमें इस पर थोड़ा सा गैप ऊपर नीचे छोड़ना पड़ेगा, इसको मार्जिन रखते हैं, साइजिंग करते हैं। अच्छा यहाँ पर सेंटर अलाइन करेंगे हम, क्योंकि हम नहीं चाह रहे इसे स्ट्रेच करना, हम थोड़ा सेंटर अलाइन करना है। और हाइट इसकी थोड़ी बढ़ाकर हम 150 कर देते हैं। हाँ अब ये थोड़ा पीस ठीक हो गया हमारा। ओके, बैक करते हैं और देखते हैं क्या हुआ है यहाँ पर। ओके, सो हमारी वॉल यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अच्छा थोड़ा सा गैप इसमें नज़र आ रहा था बीच में, बट दैट्स ओके, दैट वोंट हर्ट, हर्ट नहीं करेगा किसी को भी। तो इतना कर लेते हैं, दैट वुड बी बेटर। ठीक है, इसे हम क्लॉक कर देते हैं कम्प्लीटली, और यहाँ पर हम ब्लैक ब्लॉक रखेंगे इसका। तो हम इस टाइप की वॉल बनाएंगे ताकि वो वॉल के अंदर ही जो भी हमारे प्लेयर्स वगैरह हैं वो उसके अंदर रहें। ठीक है, तो यहाँ पर एक वॉल का एक और एंड होगा और यहाँ से वॉल को कॉपी करते हैं, इसको हम 90 डिग्री पर घुमाते हैं नीचे की तरफ, और इसके बाद यहाँ से भी इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा और नीचे यहाँ पर सही है। इसके बाद हम एक और ब्लॉक रखेंगे इसका, इसको ब्लॉक के अंदर कर देते हैं। देन यही पीस दोबारा से नीचे की तरफ और सेम इसको भी हम कॉपी करेंगे। अच्छा कॉपी करने के लिए मैंने बताया था आप लोगों को कंट्रोल का बटन इस्तेमाल होता है इसमें, इलस्ट्रेटर वगैरह की यूज़र आल्टर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आल्टर के बटन से भी रहता है। बट लेट्स सी कैसा लग रहा है गेम अब। ठीक है, तो ये हमारे साइड पे वॉल्स आ गई हैं, वॉल आपको नज़र आ रही हैं, और इस टाइप का एक गेम बन चुका है। काफ़ी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं इस पर। आई गेस वॉल का कलर थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। अच्छा यहाँ से अब जाना मुश्किल हो गया है हमारा क्योंकि वॉल बहुत करीब आई हुई है। ठीक है, तो यहाँ से जाकर आप गाड़ी घुमा सकते हैं अपनी कम्प्लीटली, और रिवर्स लेकर भी और वापसी लाकर यहाँ पर पार्क करते हैं। अच्छा मैं इसी तरह खेल रहा हूँ भी फ़िलहाल, क्योंकि वॉल्स पर हमने क्लूजन नहीं दिया है क्योंकि, और ये आर पार जाएगी गाड़ी वॉल के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर। सिंपली हमें इन पर भी क्लूजन देना है ताकि इस पर भी टकराव हो कार का। ओके, सो इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल इस पर आना है बिहेवियर, और बिहेवियर आने के बाद हमने यहाँ पर इसको सॉलिड कह दिया। सिमिलरली इन दोनों पर भी देना है, इस पर और बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर। ठीक है, तो बिहेवियर, बिहेवियर के बाद एड बिहेवियर, सॉलिड, ओके, इन दो चीज़ों पर ही बिहेवियर देना है, इस पर सॉलिड बिहेवियर। ओके ओके, सो इन पर हमारा बिहेवियर आ गया। अब इस पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ, ये बेसिकली हमारे हमसे टकराएगा नहीं, बेसिकली अगर ये टकराए तो कार को रोक देगा अगर ये सॉलिड हुआ तो, मगर अगर ये सॉलिड नहीं हुआ, क्योंकि कार नहीं रुकनी चाहिए इसके ऊपर, कार इसको ढकेलती भी चली आए हम ये चाह रहे हैं, तो
इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पर एक बिहेवियर दूंगा 8 डायरेक्शन का, आई होप दैट वर्क्स। चेक करते हैं वर्क करता है नहीं करता। 8 डायरेक्शन का हमने बिहेवियर दिया, अच्छा, और इसकी कंट्रोलिंग हमने छीन ली कि डिफ़ॉल्ट कंट्रोल पे ना चले, नो बेसिकली, अगर वरना डिफ़ॉल्ट कंट्रोल में ऑन रखता तो होता क्या है कि ये मेरे हैंडल से चलने लग जाता, लेकिन मैं इसके कंट्रोल से नहीं चाह रहा, ये एक तरह का एक ऑब्जेक्ट बन जाए, ठीक है। अब इसका मैं सॉलिड स्टेट एक्टिव करूँगा ताकि ये सॉलिड बन जाए, और अब देखते हैं हम क्या होता है। तो अब ये धक्का लग रहा है इसका, देखा आप लोगों ने, तो ये मैं करना चाह रहा था, और इस तरह से ये आइकन्स जो ट्रैफिक कौन है ये मूव करेंगे जब हम इन्हें टक्कर मारेंगे, ठीक है। तो मैं चाह रहा था जब टक्कर लगे इन पर तो ये अपना फ्रेम चेंज कर लें, तो अब मैं दिखाता हूँ वो कैसे होगा। तो ओके गाइस, आ जाते हैं अपनी इवेंट शीट के ऊपर, राइट क्लिक करना है, एडिट इवेंट शीट। तो यहाँ पर हम इवेंट शीट के ऊपर आ गए, बिल्कुल एम्प्टी पेज है, क्योंकि जो भी हमने काम किया सब बिहेवियर पे किया, अभी बिहेवियर का हमने कोई भी एक्शन इवेंट नहीं दिया। ओके, सो ऐड इवेंट करते हैं, और इस ट्रैफिक कोन पर हम एक एक्शन देने वाले हैं। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर कार का टकराव होता है इस बॉक्स से तो जाकर ये बॉक्स सेकेंड फ्रेम पर चल जाएगा, जो उसका गिरा हुआ फ्रेम है, जिस पर एक तो ये टॉप पर खड़ा हुआ है बिल्कुल सीधा, और सेकेंड फ्रेम पर ये फॉल डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा दूसरी तरफ। तो इसको हम ऐड करते हैं सिंपली, इस पर पहले हम कंडीशन बनाते हैं, कंडीशन पे है ऑन क्लूजन विद अनदर ऑब्जेक्ट, तो ये कंडीशन हमें ऐड करनी है, और क्लूजन किससे होना चाहिए, कार से। अगर इसका कार से क्लूजन हुआ, ओके डन कर दिया, और यहाँ पर इसका जो फ्रेम है दोबारा इसी पर आना है हमें, और यहाँ पर सर्च करना है फ्रेम। तो यहाँ एनिमेशन के सेकेंड नंबर लिखा हुआ है सेट फ्रेम, कि कौन से नंबर का फ्रेम आपको सेट करना है, तो इस बार सेट फ्रेम हो जाना है 1 नंबर पे, क्योंकि हमने दिखाया था डबल क्लिक इस ऑब्जेक्ट पे करें तो 0 नंबर पे ये फ्रेम है, 1 नंबर पे ये फ्रेम है इसका, ठीक है। तो इस तरह ये फ्रेम एक्टिव हो जाएगा, और अब हम देखते हैं क्या होता है जब इसको हम टक्कर मारते हैं। तो देखा आपने, हमने एक ट्रैफिक कोन गिरा दी, वाओ। सो इसी के थोड़े से और फ्रेम बनाते हैं और देखते हैं कैसे लग रहा है, ठीक है। अब प्ले करके देखते हैं दोबारा से, और अब हम जा रहे हैं इनको ठोकने, ये ट्रैफिक कोन गिर गया, दूसरा वाला भी गिर गया, तीसरा वाला भी गिर गया, चौथा वाला भी गिर गया, लेकिन अब थोड़ी सी आपको अजीब सी चीज़ नज़र आएंगी, सारे एक ही डायरेक्शन में गिर रहे हैं, बिकॉज जहाँ टक्कर लगे दूसरी साइड पे गिरो ना यार, ये तुम लोग किस तरह गिर रहे हो यार, कुछ तो शर्म करो। तो इनको सेट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा दोबारा से इवेंट शीट पर, तो ये इनको किसी की समझ में नहीं आती सिवाय इवेंट शीट के, तो इवेंट शीट ही इनको समझा सकती है, यही एक चीज़ है। चलें भाई, इवेंट शीट पर हम ऐड करते हैं कुछ ना कुछ, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, अगर सही हो गया तो हो जाएगा यार, वैसे तो हो सकता है, कुछ ना कुछ तो करेंगे। ओके लेट्स सी, अब इसका हम डायरेक्शन चेंज करते हैं। सो ओके गाइस, हम करने वाले एक्सपेरिमेंट और देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट काम करता है। तो अब हमें इसे एंगल को इसे हमें सेट करना है, तो जब हम इसे कोलाइड करें, टक्कर मारें, तो एक तो इसका फ्रेम चेंज हो जाएगा क्योंकि खड़े होने से गिर जाएगा नीचे, और क्या होगा साथ में होगा ये कि इसका एंगल चेंज होगा। एंगल चेंज करने के लिए हम इस पर आते हैं, और ये सेकंड टैब है हमारा पूरा सेक्शन एंगल का, एंगल पे से रोटेशन वगैरह की चीज़ें, और यहाँ पर है हमारे साथ सेट एंगल, यहाँ पर हमें एंगल सेट करना है। और अब एंगल क्या डिग्री दें, कोई सी भी डिग्री दे सकते हैं, हमें चाहिए तकरीबन हर दफ़ा में कोई नई डिग्री आए, नई रैंडम चीज़ें आ जाए। तो रैंडम के लिए एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल होती है, वो होती है, लाजमी सी बात है यार, रैंडम बोल रहा हूँ तो रैंडम एक्सप्रेशन इस्तेमाल होगी ना, तो रैंडम हमने लिखना शुरू करा, और यहाँ पे रैंडम लिखा हुआ आ गया। अच्छा, इसके साथ आपको कोई वैल्यू देनी पड़ती है ब्रैकेट के अंदर, तो ये छोटे सी इसमें कोड लिखना पड़ेगा ब्रैकेट, और ये बता रहे हैं यहाँ पर वैल्यू दो कोई सी, ब्रैकेट स्टार्ट किया और हमने वैल्यू दे दी। एंगल आप लोगों ने पढ़ा होगा कितने एंगल होते हैं टोटल, तो टोटल एंगल होते हैं यहाँ से 0 से स्टार्ट होते हैं, 90 डिग्री, 180, और उसके बाद 270 एंड देन 360 हो जाते हैं। तो कंप्लीट 360 एंगल में से कोई सा भी एक एंगल इसको दे देगा वो रैंडमली, हो सकता है वो 270 दे दे, हो सकता है वो 45 दे दे, हो सकता है वो 30 दे दे, हो सकता है वो 30.5 दे दे, कुछ भी दे सकता है वो वैल्यू रैंडमली, बट ये इससे ज़्यादा नहीं देगा, 0 से लेकर 360 एंगल के दरमियान में कोई से भी एंगल इसको ऐड कर देगा। और अब देखते हैं हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा या नाकाम हो गया। ओके, सो मैं टक्कर मारने जा रहा हूँ इनको, और मैंने टक्कर मारा, और हाँ अब ये देखें बिल्कुल ही अलग तरीके से हिल रहे हैं लोग, ट्रैफिक कौन, तो टक्कर मारते ट्रैफिक कौन अलग तरीके से उड़ते हुए चले जा रहे हैं इधर उधर, बिल्कुल ही अजीब जा रहे हैं बट अच्छे लग रहे हैं वैसे इस तरह जाते हुए। तो ट्रैफिक कौन को हमने टक्कर मारते हुए गाड़ी घुमाई अपनी, और इसकी गाड़ी में टक्कर मार दी, पर्पल गाड़ी, पैसे दे दूंगा भाई, टेंशन नहीं ले, और फिर हमने यहाँ लाकर अपनी गाड़ी पार्क कर दी। सो देखा आप लोगों ने किस तरह मैंने गाड़ी पार्क कर दी। ऑलराइट गाइस, तो अब सीरियसली थोड़ा सा हम लेवल एडजस्ट करते हैं उसके बाद, ताकि गेम को हम सीरियस बना सकें, सीरियस नहीं यार, फन होना चाहिए गेम के अंदर, बट मतलब पॉसिबल तो हो एटलीस्ट जाने का रास्ता सही से बनावाओ, और हम थोड़ी सी लॉजिक्स भी ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कार को कहीं भी ठोक दिया ना, समझ लो तुम्हारी कार
कि लग गई और तुम उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। इस वजह से तुम्हें थोड़ा संभल कर इस्तेमाल करना होगा। और हमें एक और लॉजिक भी तो बनानी है, जाहिर सी बात है हमें इसकी विनिंग स्ट्रेटजी बनानी है कि हम किस लेवल पर आके क्या कंडीशन होगी कि हम जीतेंगे। ठीक है, तो हमें ये एडजस्ट कर देते हैं पार्किंग, और इसके दूसरे साइड भी पार्किंग होनी चाहिए थी, टेक्निकली तो ऐसे ही होता है, बट लेट्स सी और क्या ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से एरो एक और हम ले आते हैं नीचे की जानेब, यहाँ से एरो इधर, और इस एरो को मोड़ देंगे हम 180 डिग्री पर, और काफ़ी अजीब लग रहा है ये। ठीक है, तो ये हम यहाँ से लेकर आते हैं, और यहाँ भी थोड़े से हम बैरियर ऐड कर देते हैं ऐसी, जस्ट थोड़ी सी हम ग्राफिक्स ऐड करने के लिए गेम में। वैसे इनका कोई काम नहीं है बट ठीक लग रहे हैं ये। ओके, सो ये हमारा पार्किंग एरिया है। इसके बाद यहाँ से जो हमारे ये कौन है ट्रैफिक कॉन्स, इनको भी थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। ओके, इनको हम यहाँ लगाएंगे, बल्कि इनको डिलीट करो, एक ही कौन से हम कॉपी कर लेते हैं शिफ्ट दबा के, वरना उनकी अलाइनमेंट आउट हो जाती है। ठीक है, तीन यहाँ हैं, और यहाँ पर कार पार्क हुई भी है, और इस कार का नंबर अलग कर देते हैं, लेट्स सी फ्रेम 58। हाँ, ये थोड़ी अच्छी लग रही है कार वैसे खड़ी हुई। ठीक है, तो हमारी कार यहाँ से नहीं, हमारी कार आएगी कहीं से भी आ जाए, यार क्या सोचना है इस पे, यहाँ से आएगी हमारी कार। ठीक है, सो यहाँ से कार हमारी सीधा निकलेगी, बल्कि यहीं सही है हमारी कार, यहीं से हम चाहें तो ऐसे ही सीधा लगा दें, या तो हम यहाँ से घुमा के लेके जाएं, अदरवाइज ये हमारी मर्ज़ी। और ये हटाते हैं, बल्कि ये सही लगा हुआ है। और अब ये चार हम क्यों ना यहाँ लगा दें। अच्छा, ये ऐसे नहीं हिलेगा, बिल्कुल ही कोई अजीब पार्किंग हुई भी यहाँ पे, बट चलेगी हमारे लिए। तो हम सीधा निकलेंगे, कार को घुमाएंगे और यहाँ पार्क पे लगा देंगे। अब देखते हैं कैसा लग रहा है गेम, लेट्स सी। सीधा निकलना है, और ये ट्रैफिक कौन गिराते हुए जाऊँ मैं ज़रा, यार क्या हो गया, गाड़ी कहाँ जा रही है ये, ट्रैफिक कौन गिरो, हाँ अब सही है, और पीछे वाला भी गिरो, तुम क्यों बच गए, मज़ा आता है मुझे बड़े ट्रैफिक कौन गिराने में। दोनों ट्रैफिक कौन गिरा दिए, और जाके गाड़ी पार्क पे, अच्छा यहाँ पार्क पे लगा दी। तो भाई मैं बिल्कुल प्रो प्लेयर हूँ एकदम गेम खेलने में, तो मैंने गाड़ी यहाँ पे पार्क पे लगा दी, वंडरफुल। सो गाइस, मैंने रैंडमली एक लेवल तो कंप्लीट कर दिया है इसका बनाकर। सो इस टाइप का हमारा लेवल है जिसमें से कार यहाँ से जाएगी सीधा यहाँ पार्क पे लग जाए आइदर, और हमें एक पोजीशन देनी है। अच्छा, अब हमें विनिंग स्ट्रेटजी बनानी है, एक ऐसा पार्किंग स्पॉट बनाना है जहाँ पर कार हमें लाके पार्क करनी है, और दैट्स द गेम रूल जो आपको रूम कंप्लीट करना है। जैसे रूल कंप्लीट हो जाएगा तो आप वो पॉपअप मेन्यू देखेंगे कि गेम लेवल कंप्लीट हो गया, तो ये सब चीज़ें बनाते हैं। चलिए हम अब डिज़ाइनिंग की तरफ चलते हैं दोबारा, लेट्स गो टू डिज़ाइनिंग। ऑलराइट गाइस, तो हम आ चुके हैं अपने हिल स्टडी के ऊपर, और अब हम यहाँ पर अपना एक डिज़ाइन बनाएंगे। सिंपली हमने एक रेक्टेंगल बनाया इसी की शेप का, जो बाकी उसमें पार्क पार्किंग की जगह बनी हुई है, और यहाँ पर हमें सिंपली एक एरो बना देना है। एरो बनाने यहाँ पे, इसमें एरो बहुत सारे मिलते हैं पहले से बने बनाए, तो कोई ऐसा अच्छा सा एरो ढूंढ के लगा लेते हैं। ये वाला एरो सही रहेगा, कोई ढंग का एरो नहीं मिलता यार इसमें, बना भी सकते थे, नेवर माइंड, ये एरो अच्छा लग रहा है, इसको हम लेकर आते हैं। हाँ ठीक है, तो इस एरो को हम यहाँ पर फिट करेंगे। अच्छा, इस पर डबल क्लिक करा और इरेज़र लेके ये हिस्सा इरेज कर दिया, नीचे से थोड़ा सा एरिया खींच दिया और एरो बन गया। एरो का कलर हमने यहाँ से सेट कर दिया, और पता नहीं क्या हो गया एरो को। ओके, सो ये हमारा पार्किंग स्पॉट बन चुका है, थोड़ा सा इसे एक्सपेंड करते हैं, एक्सटेंड हो जाइए। ठीक है, पार्किंग स्पॉट हमारा कंप्लीट हो गया, इसे भी हम अब एक्सपोर्ट करना है। इस पर एक स्क्रीन बनाते हैं, एक लेआउट, और इसके बाद हम इसे एक्सपोर्ट कर देते हैं PNG पर। एक्सपोर्ट करना है पार्किंग के नाम से, और हम जो इसका रेंज देंगे वो रेंज होगी आर्टबोर्ड नंबर 2, बिकॉज हमने 2 आर्टबोर्ड पे बनाया उसको।
ओके पार्किंग सेव करते हैं 7 पे ही। ओके डन, अब वापसी आते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर पे और यहाँ पर वो फाइल आ चुकी है, इसे हम एंटर करवा देते हैं सिंपल और ये फाइल हमारी एंटर हो गई। काफ़ी बड़ी आई है बेसिकली, इसको एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा क्रॉप किया हमने और साइजिंग हम साइज़ बाद में एडजस्ट कर लेंगे इसी में से प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पर इसे हम पार्किंग स्पॉट रखते हैं और इसे छोटा कर हम साइज़ पर बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्किंग स्पॉट है जहाँ पर हमें कार लाकर अपनी पुट करनी है, कार ला के पार्क करनी है। ओके गाइस, तो प्ले करके देखते हैं आप कैसा लग रहा है गेम। सिंपली हमें आगे गए और यहाँ पर पार्किंग स्पॉट नज़र आ रहा है, हमें सिंपल लाकर कार यहाँ पर पार्क कर देनी है। अच्छा, अब हमें बनानी है इसकी लॉजिक। लॉजिक बनाने से पहले हमें दो तीन चीज़ें और बनानी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल कि सबसे पहले तो हमें अपने एक पॉपअप ऐड करेंगे, मतलब कि जो स्क्रीन आपको सामने नज़र आएगी जब गेम लेवल कंप्लीट हो जाएगा कि वेन योर वो वी योर वेन समथिंग लाइक दिस, और 3 स्टार मिले या आपको 2 स्टार मिले, जो भी हम स्ट्रेटजी उस पर ऐड करेंगे, तो वो स्क्रीन एक बनानी है हमें। दूसरी चीज़ हमें ये बनानी है कि अगर जब हम फेल हों तो क्या होगा, अगर कहीं से कार टकरा गए आपकी तो रीस्टार्ट की एक स्क्रीन बनती है जो गेम ओवर स्क्रीन होती है, फेल या गेम ओवर स्क्रीन वो ही बनानी पड़ेगी आपको इसके बाद, ताकि फिर हम लॉजिक दे सकें कि आइदर इस वक्त अब क्या हो सकता है। ठीक है, तो पॉपअप स्क्रीन विनिंग स्क्रीन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लेयर ऐड करेंगे, लेयर का नाम देंगे हम विनिंग या कंप्लीटेड मिशन, कुछ भी दे सकते हैं हम, तो हम इसे कह लेते हैं विन, जस्ट सिंपल। सो व्हेन यू विन यू जस्ट सी दिस। अच्छा, तो अब ये स्क्रीन को हमें इस पर बाकी सारे लेयर लॉक लगा देते हैं और हम ये सब चीज़ें ही बंद कर देते हैं ताकि हमें सारी स्क्रीन नज़र आए। अच्छा, ये स्क्रीन जो है वो एक तरफ का यूज़र इंटरफेस स्क्रीन होगी। यूज़र इंटरफेस स्क्रीन क्या होती है, UI जिसमें बटन्स वगैरह नज़र आते हैं आपको, टच बटन नज़र आते हैं कि आप गेम पॉज कर दें या रिस्टार्ट करें, कुछ भी करें, तो इस टाइप की स्क्रीन होगी। इस स्क्रीन को बनाने के लिए हम इससे पहले हमें एक यूज़र इंटरफेस बना लेते ज़्यादा बेहतर रहता है कि हम ये स्क्रीन बना लेते, कुछ भी पहले कर सकते हैं। तो इस लेयर पर सेलेक्ट करके यहाँ पर लेयर की प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी। प्रॉपर्टीज़ पर आपको पैरेलेक्स जहाँ पर लिखा हुआ है ये पैरेलेक्स 0.0 कर देना है ताकि दोनों साइड से ये ना एक्स ना वाई पैरेलेक्स मूव ना करे उसके, तो ये स्क्रीन बिल्कुल स्टैटिक रहेगी। यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो स्क्रीन से चिपका हुआ रहेगा। ऐसे ही होता है ना, फॉर एग्जांपल जब आप फिल्म देख रहे होते हैं, कोई टीवी देख रहे होते हैं, तो जो टीवी के साइड का लोगो होता है वो साइड पे चिपका हुआ होता है, वो यूज़र इंटरफेस का एक हिस्सा होता है। बटन्स वगैरह आपको, हैंडल वगैरह आपको, सबको स्क्रीन के साथ चिपके होते हैं, लेआउट के साथ मूव नहीं कर रहे होते, बट जबकि बाकी सारा बैकग्राउंड मूव कर रहा होता है, बट वो ऑब्जेक्ट चिपके होते हैं। तो इस वजह से हमें इसको पैरेलेक्स 0 देना है और स्केलिंग रेट भी हम इसे 0 दे दें, बिकॉज हम स्केल के साथ कुछ कर तो नहीं रहे, छोटा बड़ा तो करेंगे नहीं उसको, तो फिर भी 0 दे दें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर विन हमारे पास एक लेयर बन चुकी है, इसे हम ऐड कर लेते हैं और इसको कुछ ना कुछ हम इफेक्ट देंगे इस पर, और वो इफेक्ट क्या दें, हम सबसे पहले तो एक ब्लैक स्क्रीन बनाएंगे ताकि ब्लैक स्क्रीन के ऊपर हमारा पॉपअप ठीक से नज़र आए, और इंसर्ट करते हैं टाइल मैप और इसका हम नाम देते हैं ब्लैक, सब ब्लैक ब्लैक हो गया। ओके, सो ब्लैक स्क्रीन का नाम देने के बाद हमने यहाँ पर कलर लेना है, कलर ब्लैक लिया हमने और इसकी अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या चीज़ होती है, अल्फ़ा ओपेसिटी एक ही चीज़ होती है, ट्रांसपेरेंसी जितनी वो चीज़ की अल्फ़ा देते हैं, लेकिन अल्फ़ा की वैल्यू थोड़ी सी चेंज होती है, ट्रांसपेरेंसी और ओपेसिटी जो होती है वो 100% पर होती है, अल्फ़ा थोड़ी से ज़्यादा होती है 255 पर होती है, तो इसको हम दे देते हैं लगभग तकरीबन 150 वुड बी फाइन। ओके, 150 कलर का हमने इसको एक अल्फ़ा स्क्रीन दे दी और ये यहाँ पर सेट हो गया। इसका साइज़ हमें देना है, इसकी पोजीशन 0/0 क्योंकि कॉर्नर से सेट हो जाएगा, उसका साइज़ हमें दे देना है जितना हमारा कॉन्वेक्स साइज़ है, हमारा कॉन्वेक्स साइज़ है 854x480 का, तो ये कॉन्वेक्स साइज़ के ऊपर बिल्कुल फिक्स आ गया। अच्छा, अब मैं जब प्ले करता हूँ तो मैं देखूँगा कि ब्लैक स्क्रीन मेरे इसके ऊपर नज़र आ रही है और ये ब्लैक स्क्रीन मूव करेगी साथ साथ मेरे कैमरे की, तो जहाँ मेरा कैमरा जा रहा होगा वहाँ ये ब्लैक स्क्रीन भी आती रहेगी, ब्लैक स्क्रीन हटेगी नहीं। तो हमें इसे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली यहाँ से इसकी लेयर जो है वो स्टार्टिंग इनिशियल विजिबिलिटी उसकी इनविजिबल कर देंगे, इनिशियल यानी स्टार्टिंग जो भी हो, उसके बाद आप इवेंट के साथ चेंजेस करते जाओ, ब्लैक स्क्रीन एक्टिव करो या क्या नाम है इनएक्टिव कर दो, जो भी आप करो, माइक उड़ता हुआ चली गया था अभी। हाँ, तो गाइस मैं बता रहा था कि आप इसे इनएक्टिव करो या इनविजिबल कर दो, ये सब चीज़ें आप बाद में कर सकते हैं, तो हमें इनिशियल विजिबिलिटी इसकी इनविजिबल होगी, तो जब हम गेम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर ये हमें गेम स्टार्ट करते हुए दिखाएगा और वो चीज़ नहीं देगा। मैं ट्रैफिक कौन गिराता हुआ चलेगा जल्दी में। अच्छा, हम ऐसा काम करते हैं कि ट्रैफिक कौन जब आप गिराओगे तो उसके स्टार कटेंगे, आपके नंबर्स कटेंगे, क्योंकि आपने कार में डैमेज करके लेकर आए। ओके, सो अब हमें अपनी विनिंग स्क्रीन पर थोड़ा सा काम करना है। विनिंग स्क्रीन पर काम करने के लिए हम सबसे पहले टेक्स्ट ऐड करते हैं इसी लेयर के ऊपर। टेक्स्ट यहाँ पे हमने नाम दे दिया टेक्स्ट का, इन्फो टेक्स्ट या कुछ भी टेक्स्ट जो हम इस्तेमाल करें उसका नाम सिंपली टेक्स्ट ही दे देते हैं ताकि हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं हम। ठीक है, तो टेक्स्ट का हमने यहाँ पर जो टेक्स्ट था प्रॉपर्टीज़ पर आने के बाद टेक्स्ट की यहाँ पर वो टेक्स्ट ऐड करा हमने, यहाँ पर लिख दिया लेवल कम्प्लीट, लेवल कम्प्लीटेड
एंड यहाँ पर उसकी जो साइज़ वगैरह है बोल्ड कर दिया और 24 कर दिया, 24 से थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं और ज़्यादा अच्छा लगेगा, 26 इज़ बेस्ट। ठीक है, कलर हमने इसका वाइट दे दिया ताकि ये ब्लैक स्क्रीन के ऊपर नज़र आए, थोड़ा सा बड़ा करते हैं और ये लेवल लिखा हुआ आ गया यहाँ पर, लेवल कम्प्लीटेड। ठीक है, तो इसे सेंट्रलाइज करते हैं, सेंटर सेंटर सेंटर, और ये सेंटर पे आ चुका है। अच्छा, 854 और 480 का जो कॉम्बिनेशन वर्जन होता है वो सेंटर में वहाँ पर इसे हम रख सकते हैं। अच्छा, थोड़ा और बड़ा करेंगे ताकि नज़र ठीक से आए। तो यहाँ से हम जाते हैं लेवल कम्प्लीट, इसका साइज़, और साइज़ हम 48 कर देते हैं, 48 काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो 48 पे सही नज़र आएगा ये। ठीक है, यहाँ पर लेवल कम्प्लीट, सबको बड़ा बड़ा लिखा हुआ नज़र आएगा, अंधे को भी नज़र आएगा ये। तो अब हम प्ले करके देखते हैं गेम कैसा लग रहा है। ओ, हमने एडजस्ट ही नहीं करा कि वो स्क्रीन कैसी लग रही है, स्क्रीन हमें देखनी है, तो हमें स्क्रीन एक्टिव करनी पड़ेगी सबसे पहले, और स्क्रीन के इनविजिबल लेयर का विजिबिलिटी हमें विजिबल करना पड़ेगा, इनविजिबल को। ओके, अब देखते हैं कि लेवल कंप्लीट कैसे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ओके, प्रीटी गुड, लेवल कंप्लीट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, पढ़ा भी जा रहा है आराम से, तो इस तरह का लेवल कम्प्लीट होगा हमें। ठीक है, तो अब दोबारा से हम इस पर बटन्स वगैरह ऐड कर देते हैं कि वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए आपको या पुराने लेवल पे लेकर आ जाए, ये हम लेवल बाद में ऐड करते जाएंगे। सिंपल हमें पहले ये ऐड करना है कि गेम जब पहुँच के पार्क पे लगे फंक्शन तो वो इसे एक्टिव कर दे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लेआउट वगैरह और यूज़र इंटरफेस के बटन्स वगैरह जो होते हैं स्पेशली वो बनाएंगे। ठीक है, तो पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं। ओके, सो अब हम लॉजिक देने जा रहे हैं, लॉजिक देना इसमें काफ़ी मुश्किल नहीं होगा, विजिबिलिटी इसकी इनविजिबल कर देते हैं। लॉजिक हमारी सिंपल होगी, लॉजिक ये होगी कि अगर हमारी कार इसके ऊपर पार्क हो जाती है, ठीक है, यानी इस पर ओवरलैप करती है, ओवरलैप यानी एक के ऊपर एक चढ़ना, इसे ओवरलैप कहते हैं। ठीक है, तो ओवरलैप इसके ऊपर करती है हमारी कार जब, और उस कार का एंगल सीधा हो, यानी कि कार आपने उल्टी ला के लगा दी और निशान आप सीधा दिखा रहा है, तो ये भी ज़रूरी है हमारे पास एंगल, कार का एंगल जो हमारा ये पॉइंट है, क्या कहते हैं इसको, पार्किंग स्पॉट, इसका एंगल, दोनों का एंगल इक्वल हो या सेम हो, तब जाकर हमारा जो कंडीशन होगी वो फंक्शन उसे एक्टिवेट करेगा जो विनिंग आपको विनिंग स्क्रीन पर लेके जाए। ठीक है, तो चलते हैं इवेंट शीट के जाने। अब इवेंट शीट में हम एक इवेंट ऐड करते हैं कि सबसे पहले हमारी जो पार्किंग है, जो कार है और वो पार्किंग पर आएगी, ठीक है, तो फिर वो एक्टिवेट होगा। अच्छा, कार लिया हमने पार्किंग, और अगर, अच्छा हम एक चीज़ ऐड करना भूल गए जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, वो चीज़ ये थी सिंपली यहाँ पर कि सारी कार्स एक ही ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कार का ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है ऊपर, तो सब के ऊपर कार का ऑब्जेक्ट एक ही है, तो पता कैसे लगेगा कौन सी कार हमारी, तो हमें कोई इंसिडेंट वगैरह उसका होना चाहिए या उसकी कोई आईडी देनी पड़ेगी हमें, तो यहाँ पर उसकी आईडी बनी हुई है, यूनिक आईडी जो है यहाँ पर वो ज़ीरो है। ठीक है ना, यूनिक आईडी से हम इसे फॉलोअप कर लेंगे, क्योंकि सबसे पहले ज़ीरो आईडी जिसकी होगी, यूनिक भी आईडी, उस आईडी से ये रिप्रेजेंट होगा हमारी कार। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कार ही क्रिएट करी थी अपनी, और उसकी आईडी यूनिक, यूनिक आईडी उसकी ज़ीरो है, तो ज़ीरो आईडी से हम रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि बाकी सबकी आईडी चेंज होगी। अच्छा, साथ ही हम वेरिएबल भी दे सकते थे कुछ, कार का नाम प्लेयर है याली कार, बाकी सारी कार नहीं है प्लेयर, वेरिएबल वगैरह भी, लेकिन यूनिक आईडी भी काफ़ी हद तक काम करेगी हमारे यहाँ पर इस केस में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। ओके गाइस, तो इसका एंगल सेट करते हैं, सबसे पहले हम इस पर आते हैं और इसकी एनिमेशन एक डुप्लीकेट करेंगे हम। डुप्लीकेट एनिमेशन करने के बाद इस एनिमेशन पर थोड़ा सा इसका कलर वगैरह चेंज करेंगे, 255 की कैपेसिटी रखकर हल्का सा कलर इसका ग्रीन कर देते हैं ताकि हमें रिप्रेजेंट हो जाए आइदर के एक्शन काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसकी स्पीड जो है वो स्पीड भी ज़ीरो कर देंगे ताकि मूव ना करे अपने आप, और लेट्स सी अब हम यहाँ पर इवेंट ऐड करना शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहली हमारी कंडीशन है कि हमें कार पिक करनी है, कौन सी कार होनी चाहिए, तो सबसे पहली कंडीशन है कार की आईडी जो है हमारी, ये रहा यहाँ पर मिक्स पे इसका होता है, तो पिक यूनिक आईडी, और यूनिक आईडी होनी चाहिए इक्वल्स ज़ीरो, तो ये यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन ऐड हो गई। इसी के साथ एक और कंडीशन ऐड करनी है हमें, एक और कंडीशन ऐड करने के लिए हम इस पर सब कंडीशन ऐड कर सकते हैं ऐड अनदर कंडीशन करके, और यहाँ पर हमें एक और कंडीशन देनी है, वो कंडीशन क्या होगी हमारे साथ कि अगर कार हमारी पार्किंग स्पॉट के ओवरलैप करती है, तो दूसरी कंडीशन। ठीक है, तो कार इज़ ओवरलैपिंग अनदर ऑब्जेक्ट, अनदर ऑब्जेक्ट कौन सा होगा हमारा, पार्किंग होगा। ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशन ऐड हो गई। अच्छा, ये इसके साथ ही ऐड हो गई, बेसिकली चलेगा, दोनों कंडीशन ऐड हो गई, और तीसरी कंडीशन हमें एक और ऐड करनी है, वो कंडीशन ये है कार का एंगल और पार्किंग स्पॉट का एंगल मैच करना चाहिए, ये हमारी तीसरी कंडीशन है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कार का एंगल और वो मैच कर रहे हैं इनफैक्ट या नहीं, तो बेसिकली ये देखें यहाँ पर इसके हमने थोड़ा टेढ़ा ही बना दिया, ये एंगल इस तरफ दिखा रहा है और कार का एंगल हमारा इस तरफ का होता है, तो ये एंगल बड़े मसले करते हैं, इस वजह से इसको हमें
इस तरह ही रखना पड़ेगा, दूसरे फ्रेम को भी इसके इस तरह ही रखना पड़ेगा ताकि रिप्रेजेंट ठीक से हो जाए। और अब हमें इसे एडजस्ट करना पड़ेगा 90 डिग्री पर, वापसी घुमा दो। बड़े बड़ा हिला ये तो, हाँ सही हो गया, सेट हो गया भाई। तो इसे हम एडजस्ट कर देते हैं बिल्कुल इस स्पॉट के ऊपर, ठीक है। तो ये ऐड हो गया, इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट और कर लेते हैं नीचे से और ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है ये, थोड़ा सा कम करके, ओके। अब इसे हम नेक्स्ट कंडीशन देते हैं कि इसका एंगल बराबर या नहीं। अच्छा, वो करने के लिए हमें यहीं पर इस तरह से एंगल की कमांड देनी है, अनदर कंडीशन, और यहाँ पर कार के एंगल पर कंडीशन देनी है। कार का एंगल ये है, एंगल इज़ बिटवीन, तो बिटवीन यानी इन दो के दरमियान अगर वो एंगल होता है तो वो वर्क करेगा, ठीक है। इस पर हमने डबल क्लिक करा, अभी बता रहे हैं फर्स्ट एंगल बताएं और लास्ट एंगल बताएं इसका, सेकंड एंगल जो होगा इसका। तो फर्स्ट एंगल जहाँ से स्टार्ट होगा और सेकंड एंगल जो दूसरा एंगल इसका होगा। तो मैं देता हूँ कि पार्किंग का जो भी एंगल है उसी एंगल से हम मार्जिन रखेंगे। तो पार्किंग का एंगल प्लस माइनस थोड़ा सा हम पीछे कर लेते हैं जो फर्स्ट एंगल बन जाएगा, और पार्किंग का एंगल प्लस थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं जो सेकंड एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो जो भी पार्किंग का एंगल होगा उसके साथ ही वो एंगल मूव करेंगे इसके। तो अब हम देते हैं पार्किंग डॉट एंगल, यानी पार्किंग का एंगल, इसके बाद माइनस से हम स्टार्ट करेंगे, माइनस टेन से, ठीक है। तो माइनस टेन से स्टार्ट होगा, माइनस टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन जीरो, फिर जीरो के बाद वन टू थ्री फोर फाइव, एंगल वो बढ़ता हुआ जाएगा और दोबारा पार्किंग के एंगल प्लस टेन तक के। तो ये इसका एंगल इस एंगल के दरमियान में होना चाहिए कार का एंगल, तो ट्रिगर एक्टिवेट होगा। और वो एक्टिवेट क्या होगा कि हमारा जो पार्किंग स्पॉट है उसका फ्रेम नंबर वन पे चले आएगा वो, सिंपल, ठीक है। और अगर ये नहीं होता, अगर वो एंगल या कोई सी भी तीनों कंडीशन में एक कंडीशन भी वर्क नहीं करती, तो वो कंडीशन बनती है एल्स की कंडीशन। तो हमें एक एल्स कंडीशन ऐड करनी है, ऐड पर आना है और नीचे यहाँ पर एल्स एक्स कंडीशन जो है ये ऐड कर देनी है। उस पर हमें इसी वाली कॉपी कंडीशन को कॉपी एक्शन को कॉपी करना है और यहाँ पर डाल देना है, और इसको हमें कह देना है कि ये ज़ीरो हो जाए वापसी, ठीक है। तो वन ना फर्स्ट फ्रेम रहे, अदरवाइज वो ज़ीरो रहेगा, ठीक है। तो अब हम प्ले करके देखते हैं क्या कंडीशन का करिए, आई होप इट वर्क्स। सो लेट्स सी, यहाँ पर जाते हैं और एक्शन पे ओवरलैप करेंगे, और ग्रीन हो गई थी पट्टी हमारी, बिल्कुल ठीक से काम कर रही है, ठीक है। तो दोबारा से करते हैं, जब ये ओवरलैप करेगा कार के ऊपर तो, और हमारी कार की कंडीशन भी सीधी हो गई बिल्कुल से, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्रीन हो रहा है, इसका मतलब हम इसका एक्शन ट्रिगर बना सकते हैं आसानी के साथ। और जब ये हट जाए ओवरलैप से तो हट जाता है। अगर मैं कार उल्टी घुमा के लाइए खड़ा करूँ इस पर, तो वो एक्सेप्ट कभी भी नहीं करेगा मुझे, क्योंकि आपने कार उल्टी लाए हो, उल्टे हो क्या। तो कार उल्टी ला के खड़ा करके देखते हैं, देखो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये येलो ही अभी तक के। और जब ये घुमा कर मैं इसको कार को लेकर आता हूँ तो ये डायरेक्टली हो जाता है ग्रीन। सो ओके गाइस, आज के दिन के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं तैयार करके रखूँगा अपने लिए यूज़र इंटरफेस वगैरह, यानी कि जो बटन्स हमने बनाए थे वो बटन्स मैं तैयार करके रखूँगा, और फिर डायरेक्टली उसको इसमें ऐड करेंगे और फंक्शनलिटी उनमें दे देंगे हम, ताकि वो पॉपअप स्क्रीन वगैरह सारी चीज़ें बन जाएँ ट्रिगर के साथ साथ, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और दिमाग में बैठी होगी कि क्या काम किया मैंने, और आप लोग भी उम्मीद करता हूँ कि कोशिश करेंगे करने की। थैंक सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।